हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपाल। टेकपाल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। तो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है, इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज से नाम में आपको दिख रहा है विंडोज डिप्लॉयमेंट, यानी विंडोज को डिप्लॉय करना। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके डोमेन एनवायरनमेंट में अगर बहुत सारे क्लाइंट पीसीज है, आपको उसमें ओएस डालना है, विंडोज को डिप्लॉय करना है, तो जनरली आप मैनुअली जा जाके एक जगह सीडी या पेन ड्राइव लगा के फॉर्मेट करने तो नहीं करेंगे। अगर लिमिटेड ऑफ 100 और 500 पीसीज है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्विसेज को लॉन्च किया है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज 2012 R2 में। उसके बाद 16-19 में भी है ये, तो हम लोग 16 के ऊपर लैब कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज है, और इसमें इस सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सर्वर पे क्या क्या होना चाहिए। जनरली ये विंडोज सर्वर पे ही इंस्टॉल होता है। तो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस के लिए आपके सर्वर पे DNCP होना चाहिए, डायनेमिक DHCP प्रोटोकॉल होना चाहिए, और अदर देन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जो एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन सर्विस इंस्टॉल्ड है इस पे चलेगा। DNS सर्वर तो इम्पोर्टेंट ही है, DNS सर्विस नहीं, DNS सर्वर इसको हम लोग लिख देते हैं। और उसके बाद आपको NTFS वॉल्यूम का एक पार्टीशन होना चाहिए जिसके ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे। और टू इनेबल PXE लैन कार्ड इन BIOS मोड एट ए क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम पे जो BIOS मोड में जाएंगे तो PXE का जो लैन कार्ड होता है उसको इनेबल करना पड़ता है। ये डिफॉल्ट चीज है, अगर आप जाएंगे BIOS पे वो इनेबल करके रखना चाहिए, जनरली ये बाई डिफॉल्ट इनेबल ही होता है। तो चलिए हम लोग लैब के द्वारा इसको समझते हैं। और जैसे कि हम लोग आ चुके हैं मेरे विंडोज सर्वर 2016 के मेंबर सर्वर पे, इसके अंदर मैं इंस्टॉल करता हूँ रोल्स एंड फीचर्स में विंडोज का, ऐड नेक्स्ट किया। इसके अंदर देखिए आपको सेलेक्ट करना है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, अगेन ऐड फीचर, अगेन नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ये देखिए इसमें दो सर्वर्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट सर्वर्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्वर्स, दोनों पे बाय डिफॉल्ट टिक होता है। सो टिक करके नेक्स्ट करना है और उसको आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम, ये सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी है मेरे सर्वर पे, सो क्लोज करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्वर पे कॉन्फिगर करेंगे। तो टूल्स में क्लिक किया मैंने और विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे क्लिक किया है। देखिए अब सर्वर्स दिख रहा है, सर्वर को एक्सपांड करेंगे, ये मेरा सर्वर है, तो राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे कॉन्फिगर सर्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, DHCP, DNS, NTFS, फाइल सिस्टम और पार्टीशन एंड स्टोर इमेजेस, जहां हम लोग उसका स्टोर इमेजेस बनाएंगे। तो उसको नेक्स्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड एक्टिव डायरेक्टरी, अगर आपके आप जो सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर एक्टिव डायरेक्टरी है तो आप ये पहला वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। और सी रिमोट इंस्टॉल, ये बाय डिफॉल्ट सी में ले रहा है, अगर आपके पास सी में स्पेस है तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज एक नया पार्टी नया एक ड्राइव बनाओ, पार्टीशन जो NTFS से फॉर्मेट हो उसके अंदर बना सकते हैं। हमारे पास सी पे स्पेस है तो हम लोग सी को ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ये वही एरर कर रहा है, इसको कंटिन्यू करेंगे, यस करेंगे, DHCP रहे, नेक्स्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इधर आपको सेलेक्ट करना है थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, अदर वन है रिस्पॉन्ड ओनली टू नोन एंड क्लाइंट कंप्यूटर, और इस पे थर्ड ऑप्शन है रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर नोन एंड अननोन। इट मींस हमारे पास जो क्लाइंट PC रहेगा वो DOS में भी हो सकता है, तो हम लोग थर्ड वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। और ये देखिए ये कॉपिंग हो रहा है, ये फाइल्स कॉपिंग हो रहा है, ये हो चुका है, फिनिश हो गया है। देखिए ये इंस्टॉल इमेजेस, और ये आई थिंक अभी तक ग्रीन नहीं आया है, तो इसको ऊपर जाके ऑल टास्क में एक बार सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। तो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सक्सेसफुली स्टार्ट डिप्लॉयमेंट सर्विस, ओके। अभी देखिए ये ऑप्शंस ग्रीन में आ चुका है, तो इट मीन्स ये आपका सर्विस इंस्टॉल हो गया। तो आप पहला जो ऑप्शन है इंस्टॉल इमेजेस एंड बूट इमेजेस, तो इंस्टॉल इमेजेस पे आप ऐड इंस्टॉल इमेजेस करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे। इसमें ग्रुप पूछ रहा है कौन से ग्रुप में, तो जैसे कि आपके पास विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी राइट नाउ विंडोज 7 है, हम लोग को विंडोज 7 का मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। तो विन 7 करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये फाइल लोकेशन पूछ रहा है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ब्राउज करके जैसे कि VMware सर्वर में मैंने इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा CD डेटा कनेक्टेड है। मैं आपको ब्राउज करके विंडोज 7 की मैंने CD डाली हुई है, या मैंने ISO इमेज को मैप किया हुआ है। ये मेरा विंडोज 7 है, ये देखिए सोर्स फोल्डर में, इसमें आपको इंस्टॉल पूछ रहा, तो इंस्टॉल डाल
डॉट डब्ल्यू आई एम ये सेलेक्ट करके ओपन करना है इसको। फिर देखिए इसमें भी पूछा था डिफॉल्ट बूट एंड इंस्टॉल एमजीएस बूट आई एम आई एंड इंस्टॉल एम आई आर लोकेटेड ऑन द इंस्टॉलेशन डेविड इन द सोर्स फोल्डर। तो हम लोग सेम सोर्स फोल्डर पे गए, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया। विंडोज 7 अल्टीमेट एक ही वर्जन है, इसको भी नेक्स्ट करेंगे। विंडोज 7 अल्टीमेट चेकिंग इंटीग्रिटी ऑफ द सोर्स इंस्टॉल इमेजेस, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होने के लिए। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये देखिए मेरा एडिंग इमेज ऑलमोस्ट हो चुका है, विंडोज 7 अल्टीमेट है मेरे पास। ये थोड़ा टाइम लेता है इसलिए मैंने वीडियोज को पॉज किया था, ये फाइनली हो चुका है अभी। इसके बाद हम लोग बूट इमेज को भी ऐड करेंगे। एडिंग इमेज जो होता है, इंस्टॉल इमेज होता है, वो आपको कौन सा विंडो इंस्टॉल करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए द ऑपरेशन इज कंप्लीट, इसको फिनिश कर दिया। और जो विंडोज 7 का जो हो ये इमेज है, जो बूट इमेज है, बूट इमेज में आप कुछ भी मतलब कौन से भी वर्जन का बूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी सेम फाइल होगा, इसको बूट डॉट डब्ल्यू एम आई ये सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये मैं डाल देता हूँ इधर ऑप्शंस विंडोज 7, इधर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ विंडोज 7, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया, इसको भी एडिंग इमेज। ये फटक से हो जाता है, बूट इमेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि डेटा इसका इतना बड़ा नहीं होता है। और जो इंस्टॉल इमेज होता है विंडोज 7 का, तो जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, बूट इमेज में आप विंडोज 10 का भी बूट इमेज ले सकते हैं, विंडोज 8 का भी ले सकते हैं। जो इंस्टॉल इमेज है उसमें आपको इंस्टॉलेशन फाइल जो भी विंडोज आपको इंस्टॉल करना है वो लेना पड़ता है। तो बूट इमेज जैसे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए ये मेरा द सेलेक्टेड इमेज आर वेयर सक्सेसफुली इन द सर्वर, ओके ये मेरा डन हो चुका है। बूट इमेज इंस्टॉल इमेज बूट इमेज हो चुका है। और ये मेरा सी ड्राइव पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसका नाम है रिमोट इंस्टॉल, जैसे इनिशियली आपने देखा था रिमोट इंस्टॉल। इसके अंदर देखिए ये सब फाइल्स हैं, बूट इमेज के अंदर देखिए पूरा ये 64 जो भी वर्जन है पूरा सेटअप इसके अंदर कॉपी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्लाइंट पहले सर्वर पे आप देख सकते हैं डीएससीपी सर्वर पीएक्सएल बूट इनेबल हुआ है कि नहीं। डीएनसीपी सर्वर पे मैं आ गया हूँ और इसको एक्सपांड करेंगे हमारा, और IP4 इसमें सर्वर ऑप्शंस पीएक्सएल क्लाइंट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पीएक्सएल क्लाइंट इनेबल हुआ है कि नहीं, ये पीएक्सएल क्लाइंट दिखा रहा है स्टैंडर्ड नन। सो अभी हम लोग काम करेंगे, अभी हम लोग एक क्लाइंट सिस्टम हम लोग नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि मेरे पास विंडोज 7 का है, विंडोज 7 का ये मेमोरी ले लिया है, इसका मैं आपको पहले देख लेता हूँ इसका जो सबनेट है, जो लैन कार्ड की वर्चुअल सिस्टम है, ये है VMnet2 पे, और जो मेरा मेंबर सर्वर है वो किस पे है, ये भी VMnet2 पे ही है, मेंबर सर्वर भी VMnet2 पे, इट मीन सेम सबनेट में है। तो इसको ऑटोमेटिक DHCP सर्वर मिल जाएगा। ये जो मेरा ये है ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये पूरा ब्लैंक सिस्टम है, पूरा आप ऐसा बोल सकते हैं ये डॉस बेस है, इस पर कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। देखिए ये देखो ये पूरा नेटवर्क बूट पूछ रहा है, देखिए ये सेलेक्ट डिटेक्ट भी किया इसने डाउनलोड WNCP फ्रॉम 50.3 का। अगर मैं F12 प्रेस करूंगा तो ये नेटवर्क बूट सर्विस चालू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने ये F12 प्रेस किया और मेरा ये क्लाइंट पीसी मेरा इंस्टॉलेशन चालू हो गया। आपको दिख रहा है देखो मेरा ये आईपी था DNS का 192.168.50.3, ये क्लाइंट पीसी मेरा बूट होना चालू हो गया। तो इस तरह से आप अपने डोमेन एनवायरनमेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो टेक पल्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।